हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज इस वीडियो में हम फिजिक्स में 1D के क्वेश्चन का डायमेंशन, भाई ध्यान दीजिए, 1D मोशन से आपके नीट एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे वो हम इसी वीडियो में, ठीक है। और भी साथ ही साथ एक और बात और बता देते हैं, आप स्कूल में जाते तो वहाँ भी आप लोग वन डायमेंशनल मोशन के ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे जो अभी तक, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और भाई जब हम एक दूसरे टाइप करेंगे तब आप एक खास बात करेंगे क्या, एक तो अपनी कॉपी पेन निकालें और मेरे इस क्वेश्चन का आंसर निकालने से पहले आप खुद एक बार ट्राई करें, क्या करेंगे आप खुद एक बार ट्राई करेंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करना, ठीक है, फिर आपको करवाऊंगा, आप देखना कि क्वेश्चन आप मेरे सोल्व करने से पहले आपकी क्या करनी चाहिए, और सोल्व करने के बाद जब आपको समझ में आ गया, समझने से पहले और समझने के बाद सेल्फ एनालाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई, आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन। पहले मैं आपके तीनों क्वेश्चन बता दूँ ताकि आप वीडियो पॉज करके तीनों को एक बार निकाल सकते, ठीक है। पहला क्वेश्चन है वाई भी रखा है बराबर 2x² - 12x, then what will be minimum value of y, y की minimum value क्या होगी, आप क्वेश्चन को देखो, साथ ही साथ आपको ऑप्शन भी दिखाऊंगा, पूरा क्वेश्चन ही दिखाऊंगा अभी आपको, देख लो ऐसे, ठीक है। हर क्वेश्चन को मैं आपको बोर्ड पे भी लिखा मिलेगा और साइड पे, अब जल्दी से ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर करना है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये जो आपने पहली बार दिया, ठीक है। आप एनालाइज करके साथ ही साथ ये किसने किसने क्वेश्चन से निकाले हैं पहली बार में, हाँ जी। चलिए दूसरा क्वेश्चन x - 3 + y - 4 = 1, स्लोप ऑफ इक्वेशन बतानी क्या होगी, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन b = a sin ωt and q = a cos ωt, देन व्हाट विल बी शेप ऑफ कर्व, अगर आप क्या ग्राफ किसी किस का ग्राफ मतलब p की वैल्यू ये q की वैल्यू ये, व्हाट विल बी शेप ऑफ ग्राफ बिटवीन p एंड q, p और q के बीच ग्राफ की शेप क्या होगी, और इनके ऑप्शन और क्वेश्चन आपको साथ में अब वीडियो को, ठीक है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू बताओ तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छा जिसे कहते हैं डिफरेंस। तो अगर आप किसी का भी डिफरेंशिएशन करें, डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि वो बहुत बड़ा है, यानी कि वो आपको क्या करेगा, मिनिमम वैल्यू कम से कम वैल्यू क्या होगी किसी भी इक्वेशन की, वो आपको बताएगा डिफरेंशिएशन। तो आपको डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए। अब डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए वाई का, तो आप ये इक्वेशन, क्या ये इक्वेशन एक्स की फॉर्म में है, तो आप क्या करेंगे वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के हिसाब से, ठीक है, और पता करेंगे कि क्या वैल्यू आएगी वाई, और उसको क्या करेंगे फिर जीरो जीरो एक्चुअल में क्या है, तो आपकी इक्वेशन रखिए वाई के इक्वल है, तो आप क्या करें भाई वाई का डिफरेंशिएशन कर, कैसे करते डिफरेंशिएशन डी वाई बाई किसके हिसाब से, जो यहाँ पे वेरिएबल दे रखा है जो आपके अल्फाबेट होते हैं वेरिएबल, ठीक है, और ये नंबर के फोर्स डी वाई बाई क्या हो गया भाई बराबर, यानी वाई का डेरिवेटिव करना। अब आप क्या करें इसकी वैल्यू तो डी, साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूंगा डिफरेंशिएशन कैसे करना है, ट्वेल्व है बाई में क्या हुई, अब जिसको डिफरेंशिएशन आता है दो लक्ष्य दे देगा, 2x की रेख कितना हो गया 4x - क्या हो गया 12, ठीक है। बराबर किसके पुट कर देंगे, एक को जीरो पुट कर देंगे तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी इसकी, आपको वैल्यू मिल जाएगी एक्स की, जो एक्स की वैल्यू आपको मिले तो वापस बहुत सारे लोग पहले यही वैल्यू जब यहाँ से डिफरेंशिएशन करने के बाद वैल्यू आती है उसी को पुट करो, इस एक सवाल को फिर से समझ लीजिए। अब कैसे भी इक्वेशन ले दे, देखो भैया डिफरेंशिएशन करेंगे इसका डिफरेंशिएशन अलग से उसका अलग से, ठीक है। अभी मैं आपको सीधा करके बताऊँ, जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आता वो अच्छे से डिफरेंशिएशन वाले को दे देंगे, ठीक है। तो पहले इस वाले पार्ट में करते हैं 2x² में पावर आगे आ जाती है कितनी 2 × में क्या भी 2x × में x की पावर कितनी है 2, क्या होगा x की पावर 1 ये कम हो जाती है, टू की पावर आगे आ जाएगी और
क्या होगा एक्स, एक्स मर कितनी है अभी, दो इसमें से घटा दो हो गया, इन टू में क्या करते हैं जो एक्स बचता है इसका डिफरेंशिएट करते हैं डी एक्स बाई कितना जाता है, ये सीधा कर दिया कितना फोर है, फिर माइनस में करने से कैसा बारह एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाता है आगे डिफरेंशिएट करता है भाई फोर एक्स माइनस। अब डिफरेंशिएशन करने के बाद जो वैल्यू आए उसको आप जीरो के इक्वल रखते हैं, अब बताओ क्या एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स वैल्यू सिर्फ आया इज इक्वल टू फोर, ठीक है x इज इक्वल टू 12 बाई 4। अब पहला ऑप्शन सही होता है तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं तीन वैल्यू, ठीक है बट इसका क्या है मिनिमम वैल्यू, अब मिनिमम वैल्यू का सिग्निफिकेंस क्या है, अब आप x की वैल्यू इसमें रखो y, y की वैल्यू क्या है बताइए, 2 इंटू में x की पावर 2, 2 इंटू में 3 की पावर x की कितनी 3 की पावर 2 माइनस में 12 इंटू में 9 दुनी 18 माइनस में 12 तीन 36 9 दुनी 18 तो 18 आ रहा है, इसका 18 आ रहा है भाई, इस इक्वेशन में y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी माइनस का, कम से कम वैल्यू क्या होगी भाई माइनस का। अब इस बात का सिग्निफिकेंस क्या मतलब, आप कोई भी नंबर x की जगह रख लो जो आपका मन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 4 लाख, करोड़ अर्थ वट एवर कोई भी रख एक्स की वैल्यू रख, वाई की वैल्यू जो कम से कम आएगी वो माइनस 18 आएगी, इससे कम नहीं माइनस 18 से कम वैल्यू, जो वैल्यू आएगी वो इससे ज़्यादा आएगी, यानी कि माइनस का 19 कम होता है या माइनस का 17 यानी माइनस 19 कहने का मतलब, अगर आपने y का क्या भाई क्या इस x की कोई भी वैल्यू रखनी है तो y की कम से कम वैल्यू जो आएगी ना मिनिमम वैल्यू वो माइनस एक ही होगी इससे कम होगी, आगे कहानी यही मतलब है अभी इसका, जिसको हम एक डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट से समझते हैं। अब मान लो किसी को डिफरेंशिएशन करना नहीं आ रहा तो वो एक बार देख मैं बता क्या करते हैं, देखिए जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाता है अगर वो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो आप डिफरेंशिएशन, देखिए उस इक्वेशन में क्या एक्स है, अगर उस इक्वेशन में एक्स है तो डिफरेंशिएशन के रूल ही अप्लाई होंगे, इस एक्स डी एक्स के करने में ना डी का मतलब है छोटा डेरिवेटिव का वाई मतलब डी के वाई में डी एक्स, डी एक्स के रिस्पेक्ट एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो मतलब इस इक्वेशन में एक्स जो है इसकी वैल्यू पा रही है छोटी से छोटी वैल्यू पा रही है, ये मीनिंग है डिफरेंशिएशन किसी भी इक्वेशन के लिए आप लगाते हैं, बसरते हो किसके रिस्पेक्ट में ये वाला यहाँ है यहाँ हो, अगर ये यहाँ नहीं है मान लो इस इक्वेशन में एक्स होता ही नहीं ये सारी वैल्यू भाई एक्स के हिसाब से कॉन्स्टेंट हो जाएगी वेरी नहीं एक्स के हिसाब से वेरी करेगी चीज़ यहाँ पर, ठीक है आ जाइए तो यहाँ पर देखिए ऊपर जो भी चीज़ मिल जाए मान लो एक्स की पावर कुछ भी हो एक्स की पावर है, अगर आपको x की पावर n का डिफरेंशिएशन करना पड़ जाए डिफरेंशिएशन का मतलब कैसे लिखेंगे आप d बाई में d, ये मतलब डिफरेंशिएशन, अगर जो x की पावर n का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे n आगे आ जाता है इनटू पहले पावर का डिफरेंशिएशन होता है n का कर दिया, अब क्या होगा जो आपका x है इसकी पावर कितनी है n, इसमें से आप एक घटा पहले पावर को ऐसे किसी पावर n को आगे रख दीजिए ठीक है, फिर इस x के ऊपर n में पावर का डिफरेंशिएशन पावर को आगे पावर में से घटा, पहले हमने पावर का डिफरेंशिएशन किया उसके बाद इसके मल्टीप्लाई गुना में आप करेंगे जो यहाँ पे एक्स है पावर के बाद इस वेरिएबल का किसके रिस्पेक्ट में लिखो भी इसको ऐसे लिखते हैं डी एक्स बाई डी, यानी पावर को पहले आप ऐसे हटाएंगे ये लिखिए अब एक्स का डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में मान लो 2x होता है 2x का हो जाता है कॉन्स्टेंट बाहर निकल क्या होगा डी एक्स बाई डी एक्स कितना होगा क्या आगे डी एक्स की पावर एम x की पावर n का डेरिवेटिव कितना आ गया n x की पावर मान लो यहाँ पे x की पावर कितनी है 3 कितना आएगा डेरिवेटिव बताओ 3 आगे किसके रिस्पेक्ट में होगी x के रिस्पेक्ट में ठीक है क्या आएगी वैल्यू 3 आगे क्या x की पावर 3 में से कटाओ कितना ऐसे करो मान लो मैं 12x का कर रहा हूँ यार 12x की पावर कितनी है 12 क्या है भाई कॉन्स्टेंट इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं ये सबसे पहले
ये क्या है भाई कॉन्स्टेंट, 12 क्या होता है कॉन्स्टेंट नंबर है, नंबर भी डेरिवेटिव से बाहर आ जाता है, क्या होगा इसमें 12 बाहर लेते हैं, क्या बच गया डी एक्स की पावर 1 बाई 3 हो गया ना सर, क्या आ गया। इस तरीके से हम क्या करते हैं डेरिवेटिव, ये था हमारा पहला कंसेप्ट। हाँ बस ये तीन आ जाए, पहला ऑप्शन तीन मिलेगा, इसे किस और क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से करा दो, बहुत सारे बच्चे करेंगे मिनिमम वैल्यू किसकी जानी आपको वाई की थी, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, समटाइम्स हम नहीं करते वो हमें नहीं करनी है, देखिए वीडियो ठीक से नहीं होगी तो गाइस समय लग जाएगा, पर आप आप जब कोचिंग में आपके जो सब आप नीट का एग्जाम दिए तब आप और आपकी फिजिक्स से तो पकड़ में होगी, ये रीजन समझिए, हर कोई उठा के कुछ करने का 4x-12 ठीक है अंतर 3 आ गया, उसके बाद का लॉजिक है वो नहीं समझ सकता, पर आपको अच्छे से समझना है आपके लिए अच्छे से हो गया। देन हमारा एक अंतर डिफ्रेंशिएशन कांसेप्ट बहुत अच्छे से बड़ा बेसिक स्लोप बताइए, स्लोप बताइए जरा, स्लोप कैसे बताएंगे क्या करना है, ये -3 -4 1 क्या पहले तो कभी भी आपको किसी के लिए स्लोप बतानी होगा उसको सिंपल फॉर्म में एक स्ट्रेट लाइन में ले बाघ वगैरह क्या करेंगे, क्या मैं उस पूरी इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या मेरा मन कर रहा भाई माइनस है ना ये अप्रोच आपको लानी कि भाई 4 3 12 कैसे सर आपने मैं हो तो मान लो एक बार में था वैसे आपको न्यू दिमाग में आता तो आप भी क्या करेंगे पर अगर आप ऐसे अप्रोच करते हैं कि 4 3 12 देखते हैं आपने माइनस ले लिया पहले सोचते माइनस माइनस कट जाएगा आ जाए इस तरह 12 तो आपके दो स्टेप आसान है क्या रह गया 4x+3y अब आप लोग क्या बताएंगे वो तो अब आपको पता नहीं मैंने ग्राफ की वीडियो में आपको वो तो बताया है भैया क्या मतलब y=mx+c ये कैसे ध्यान में आया मतलब y की पावर 1 हो और x की पावर भी कितनी हो 1 और साथ में कोई कांस्टेंट हो तो वो इक्वेशन वो जो इक्वेशन आपके सामने जैसे ये वाली इक्वेशन वो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो नहीं पता ग्राफ वाली वीडियो देखो ठीक है तो किसकी इक्वेशन बन गई भैया स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको पता होना चाहिए किसके बराबर होती है y=mx+c ठीक है ये एम आएगा इसे कंपेयर कर लेंगे हेलो निकालो फिर तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी निकालो वाई को इस तरह रख लो क्या हो गया 3y = -12 4x इस तरफ गया अब क्या करूं मैं मुझे तो केला वाई चाहिए यार ले जाओ 3 को 3 से क्या कर दो भाग कर दो इसको 3 से भाग कर इसको 3 से भाग कर दो इसको किससे भाग कर दो इसको 3 से भाग कर दो कर दिए अब कंपेयर करो मतलब ये प्लस इसको तो मैं देखो समझना चाहते तो सीधा एक स्टेप चला जाओ समझ ही जाओगे आई की स्लोप की वैल्यू -4/3 यार रीजन से जल्दी ठीक कर देना अब समझो कैसे अब इसमें आप कंफ्यूज हो जाए तो क्या करेंगे सही से लिख लो क्या लिख सकते हो -4/3 x इसी के हिसाब से अब प्लस का निशान अपनी मर्जी लगाओ ना प्लस का ठीक है इसको काटो 3 × 12 माइनस का 4 आ गया यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो ऐसे बनाइए ना इस अप्रोच से क्वेश्चन अरे आपको क्वेश्चन करना है जल्दी करना है एक दो स्टेप बच्चा बच जाने चाहिए इस तरीके से अप्रोच कर देखिए क्या होगा 4/3 कंपेयर कीजिए एम ई हो गया एक्स ई हो गया वाई है भी बराबर में ये हो गया अगर आपसे कोई इसी इक्वेशन में इंटरसेप्ट पूछ ले स्ट्रेट लाइन बनेगी ये भी पूछ ले कर ले उस इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा स्ट्रेट लाइन
हमारा पैराबोला होगा, सर्कल होगा, एलिप्स होगा। ये देखते जाते हैं y की पावर 1 x की पावर 1 ऊपर आगे रेड लाइन में स्लोप कितनी होगी माइनस 4 ये पूछा गया माइनस 4 कैसे क्वेश्चन में आपको वन दी ये देखते जाओ कैसे कैसे जबरदस्त क्वेश्चन कर रहे हैं c की वैल्यू माइनस का इंटरसेप्ट कितनी मैं तो गेम से कर बोलो है कि नहीं समझ में आया ऊपर आ गया ठीक है दूसरे का हिसाब होगा चलो बच्चे इसने क्या बोला पी की वैल्यू ए साइन होगा तो क्यू की वैल्यू इसको समझेगा कि वट विल बी शेप ऑफ ग्राफ बी एंड पी क्यू के बीच बनना है सर क्या करें मुझे तो ये जानता मैंने सर दसवीं में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी सर क्या पढ़ी थी भैया आइडेंटिटी क्या थी आइडेंटिटी बताओ क्या आइडेंटिटी सर आपकी ग्राफ वाली वीडियो मैंने देखी है वहां पे सर अगर ऐसे हो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर तो सर ये r रेडियस को सर्कल बताती है तो अगर कहीं पे ऐसी क्वेश्चन लिख जाए x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 r की पावर 2 r के स्क्वायर के बराबर हो जाए r क्या रेडियस रेडियस क्या है ये फॉर्मेट की इक्वेशन में तो आपकी किसकी इक्वेशन होती है रेडियस का जिक्र कर दिया तो किसकी सर्कल की किसकी देखते ही समझ जाना कल तो दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है अब देखो साबित करते हैं अगर सर्कल की इक्वेशन ऐसी होती है क्या करें सर मुझे आइडेंटिटी याद आई तो मैं क्या करूँगा सर मैं पी स्केयर पी का स्केयर कर दूँ ठीक है इसमें क्या करूँ टू का स्केयर ऐड कर दूँ कर दो बराबर में क्या होगा तब पी का स्क्वायर कितना हो गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बोला है क्या प्लस क्यू का स्क्वायर करोगे देखो क्यू का स्क्वायर कर दिया ए का भी स्क्वायर हो जाएगा कोस में कोस का स्क्वायर हो जाएगा पूरे का स्क्वायर मान लिया हमने अगर पी का स्क्वायर कर दिया पूरे का स्क्वायर अब अलग अलग स्क्वायर करेंगे दोनों आपस में मल्टीप्लीकेशन में ए का स्क्वायर हो जाएगा कर लेंगे और साइन का स्क्वायर हुआ ओमेगा टी का नहीं होगा फंक्शन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर होता है टेन ओमेगा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया भाई ए स्क्वायर कोस क्या मैं ए स्क्वायर को कॉमन ले लूं ले लिया क्या बोला साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस स्क्वायर ओमेगा टी कितना होता है क्या गया ए क्या बच्चों कांस्टेंट है तो पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर किसके अंदर आ गया टू का स्क्वायर अब आप इसको एक्स मान लो या इसको वाई पर ले लो इसको वाई ले लो इसको एक्स स्क्वायर में क्या है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की कांस्टेंट के भी बन जाए तो ग्राफ किसका होगा सर्कल का बन सके आ जाएगा पैराबोला ले अगर आप कहने को पैराबोला लो भाई और मिलाओ आप कितने क्वेश्चन ठीक है बताओ मुझे जल्दी से तीन में से जल्दी से कमेंट करो बस चलिए भाई अब आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर किसने दे दिया समझ लो उसका वेक्टर वेक्टर इसका आंसर पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 4 द रिजल्टेंट थ्री वेक्टर ऑफ टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दो वेक्टर हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर उनका रिजल्टेंट है थ्री वेक्टर इज है परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर अब दो वेक्टर हैं इनमें से ए वेक्टर के क्या रिजल्टेंट परपेंडिकुलर आल्सो मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर कैसे बनेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ देन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ऑप्शन आपके पाई बाई फोर थ्री पाई बाई फोर फाइव पाई बाई फोर नाइन पाई बाई फोर बताइए बोलिए वीडियो पॉज कीजिए उसको दूसरी क्या आता है वो लाइक कर दीजिए
कंसेंट ए के साथ ए में मैंने लकड़ी का एंगल बनाया है देन अभी मैग्नीट्यूड भी बराबर है यानी कि सी एक्स की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू ए एक्स की है यहां से मुझे पता चल गया भाई 90 तक कोई एंगल नहीं है ए और बी के ए और बी के बीच 90 डिग्री 0 से लेकर 90 डिग्री तक एंगल नहीं हो सकता तो जो वेक्टर आप ऐड कर रहे हैं अब उनके बीच एंगल 90 डिग्री है 0 से लेकर 90 डिग्री तक है तो उनका जोड़ उनका रिजल्टेंट मैं कह दूं ए वेक्टर और बी वेक्टर इनके बीच 0 से लेकर 90 डिग्री तक का एंगल है ठीक है तो कभी भी इनका रिजल्टेंट जो रिजल्टेंट होगा वो ए या बी इनसे ज्यादा ही मिलेगा ए वेक्टर से भी मैग्नीट्यूड ज्यादा मिलेगा सी का और बी वेक्टर से ज्यादा मिलेगा तो झटके से पहला ऑप्शन चला ही गया और 5/4 45 डिग्री अब ये जो बात मैंने बताई है बहुत गहराई से उसके बारे में इसके लिए आपको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी देखना उससे पहले मैंने जो आवाज है समझते हैं ट्रायंगल ऑफ एक्सटेंशन या उससे पहले आप क्या क्या बोले नहीं सर हमें नहीं समझना हम तो मैथमेटिकली तो निकालना चाहते हैं क्या करें मैंने उन्होंने दिया है तो मैं तो सर एक बात जानता हूँ अगर आपको कोई ए वेक्टर दे दे ठीक है मैंने मान लिया ये वेक्टर और सर मान लो दूसरा वेक्टर मान लो बी वेक्टर मैं जानता हूँ ट्रायंगल ऑफ ये होगा रिजल्ट मान लीजिए ध्यान दीजिए सर मैं क्या अगर ये सी वेक्टर है ना ठीक है यानी दोनों के बीच के 90 डिग्री का एंगल दिया है ठीक है तो सर मुझे कोई एक वेक्टर ए वेक्टर ये मान लिया मैंने और ये सी वेक्टर जैसे इसके साथ वाला हो तो मुझे एक बात बता सर क्या टेंजेंट ऑफ थीटा जो भी हो यहाँ रिजल्टेंट और इस ए वेक्टर के बीच कोई भी है तो सही आप दोनों भी खुद से भी यहाँ बोले तो टेंजेंट ऑफ थीटा रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच सर बराबर होता है किससे बोला ये वाला दिख रहा है ना बी भाई में ये थीटा है भाई मान बी साइन थीटा वाई में ए ये वाला वेक्टर ना जिसके साथ एंगल है उसको निकलेंगे ए प्लस अगेन बी एक वेक्टर और रिजल्टेंट के बीच का टेंजेंट ऑफ एंगल बराबर होता है दूसरा वेक्टर इसके साथ साइन ऑफ थीटा वाई में ए प्लस बी वेक्टर बी के ए प्लस बी को थीटा देखो ये लोग टेन निकाल दिया ये टेन फाइन निकालना ठीक है सुनिएगा अब हमें क्या पता है एंगल होता है ना ये होता है ये होता है दिस इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ये थीटा हम जब नहीं मानते हैं एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी आपने जो थीटा फॉर्मूला पढ़ा ये क्या आर का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है किसके भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी ए बी कोस ऑफ थीटा ये वाला कुछ थीटा एंगल होता है ये तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर अरे उन्हें क्या दिया आपको ये वाला कोस थीटा ठीक है और ये वाला फाई किसके बीच एंगल है ए वेक्टर है यानी रिजल्टेंट के बीच का और थीटा तो रखो भी वैल्यू करना है क्या 90 दिया इन्होंने स्टेटमेंट में सी वेक्टर ए वेक्टर बीच एंगल कितना है 90 यानी ए अब ये मुझे कितना ये ए वेक्टर के साथ है तो यहाँ पे होगा ना वही वेक्टर अगर यहाँ पे बी होता तो बी के साथ एंगल होता है यहाँ से बता नहीं देता सर मुझे कोई ये फॉर्मूला याद नहीं रखता तो सबसे पहले ये था याद अब ये आपको कब अच्छे से याद होगा जो आप ट्रायंगल लॉ वेक्टर के लिए तो रखते थे अभी बता दो पांच मिनट ले लो यही अच्छे से सीख लिया एक तरीका से होगा अच्छे से चल रहे अधूरा मत हो एक दिन में अधूरा छोड़ दिया सर नहीं तो आपने तो मैं हर रोज पक्का कर दो भी कर हिट के लक्षण की जिम्मेदारी कंटिन्यूटी बनाए रहे अच्छे से ये अब आप कहा भाई दूसरी बार कंसेप्ट कर लिया होगा ठीक है दो वेक्टर है इन दोनों का बीच मान लो एंगल कितना है बनाओ मान लो ठीक है ए वेक्टर
लंबी बैठने भी एंगल क्यों दिया थीटा, ये वाला भी क्या करते हैं एंगल बना, ये वाला इसको आगे ड्रैग क्यों कराइए, ये वाला टेल टेल से टेल के बीच एंगल, ये वाला जब भी आप एंगल मापते हो हमेशा ध्यान रखना जोर भी नहीं लगाएंगे एक्स। तो फॉर्मूले हैं पहली बार देखो, पहला दिया परपेंडिकुलर, तो जैसे दिया वैसे निकालते जाओ, परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर ठीक है भाई, टेंजेंट कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री कितना होता है 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री आता है 290 डिग्री आता है 90 डिग्री आ गया। क्या बार दी कितना है, ए के मैग्नीट्यूड के बराबर है ना, तो ये भी आर की वैल्यू कितनी होगी, ए ये आर इज इक्वल मानते हम, यहां पे आर इन्होंने क्या दे रखा है मैग्नीट्यूड में, ए के बराबर है, यहां पे मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड, रुक रुक मान लो मैं आर वेक्टर की गुणा कर आर वेक्टर की गुणा कर आर वेक्टर को आर वेक्टर को एक स्क्वायर हो गया क्यों जिसने दे रखा है एक और अपने कितना भी ये स्क्वायर वन ए स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर कितना हो गया माइनस कॉमन ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर वन है माइनस का इसके इसके बाकी प्लस का इसके ए इसके प्लस इसके बताओ बताओ टू ए इसके कितने बराबर आ गया टू ए इसके जानते हैं बराबर आएगी अब मुझे क्या चाहिए एंगल पर क्या जानते हैं ए बाई बी क्यों लूटा ए बाई बी ये लगा रही ना मैं क्यों ना ए बाई बी निकाल लूँ भाई तरफ ए इसके दूसरे इसके क्या दूसरे इसके अलग इसके वन इसके दूसरे इसके टू को निकल गया अब ए बाई बी की वैल्यू निकालनी है दोनों तरफ ए बाई बी क्या करें भाई शेयर दोनों भाई का लिख सकते हो आप ए बाई बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ ए बाई बी दोनों तरफ शेयर निकलोगे कितना हो जाएगा वन बाई। अब एक बात ध्यान दो कोई भी अगर वैल्यू शेयर क्वांटिटी है ना कौन सी वैल्यू एक तो प्लस का वन बाई रूट टू एक तुम्हें दिक्कत ना हो समझ में जब भी आप किसी का स्क्वायर रूट करें या देखिए ए बाई बी का स्क्वायर करो प्लस का भी मान लो मैं कहता प्लस का ए बाई बी होता तो स्क्वायर में वैल्यू प्लस आती माइनस का तो भी तो हम यहाँ पे जब भी आप स्क्वायर करें किसी का स्क्वायर रूट करें तो क्या क्या करेंगे स्क्वायर रूट करें तो रिजल्ट करना उसमें हमेशा दो बनेंगे प्लस की लंबाई और माइनस ठीक है भाई अब देखो प्लस का लंबाई रूट रखें यहाँ पे
अगर इसके बाद किसी ने किसी ने हाँ मान लो अब बोलो बरा आपने तो प्लस वन माइनस कर दिया माइनस वन माइनस कर दो माइनस वन माइनस कर दो जाइए भी अंदर भाई ये रहा ना कि हमें माइनस वन माइनस कर दो तो सीता माइनस वन माइनस कर दिया कितना हो गया प्लस वन माइनस कर दो तो भी माइनस तू भी तो आ रहा है सर हो गया ना सर इसकी माइनस भी दो तीन माइनस भी होता है दो तीन माइनस भी माइनस दो होता है ये कोटे को समझ नहीं लगती आगे माइनस दो ठीक है रख ले अंदर ले आपका दो दोनों का जोड़ अगर थीटा जीरो से नब्बे डिग्री करी थे ना क्या होगा ये होगा सर डेल्टा ना हमेशा ए से भी ज्यादा होगा बी से ज्यादा होगा पर अगर थीटा नब्बे से ज्यादा हो जाता है तब रिजल्ट है आपका बताओ क्या ये अब इस क्वेश्चन को पांच छह बार निकालो खासकर इस बात को थीटा वाले अब इसमें आपको तीन क्वेश्चन देता हूँ आपसे जल्दी अब मैं बोला आपको पहला क्वेश्चन भाई बोलो भाई बोलो मैं बोला मैंने बोला कि जो आपके रिजल्टेंट था ना रिजल्टेंट ऑफ पी वेक्टर ऑफ टू वेक्टर एन डी वेक्टर इसको टाइम डिफरेंस टू वेक्टर मैं बोला क्या रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है ना सुनिए ए वेक्टर ऑफ बी वेक्टर मैग्नीट्यूड के बराबर मैंने क्या बोला आपको ए वेक्टर बराबर है मैग्नीट्यूड में किसके और मैं आपको बोला मुझे रूट चाहिए रूट टू ए या रूट टू ये ए वेक्टर बी वेक्टर मैग्नीट्यूड बराबर होती है इधर यहां पे नहीं मिलता है अंदर ये सब रूट थ्री और आप पहले वाला से सारे चीज भी नहीं थी रूट थ्री इधर कितना आ रहा है रूट टू ए दोनों में से किसी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर आ रहा है दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है बताइए व्हाट विल बी एंगल बिटवीन ए एंड बी आप क्या बोल रहे हैं आंसर है भैया भाई मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट वाला कितना आ रहा है रूट टू ए को ए मान बी को मैं ए मान सकता हूँ इंटू में स्कोर में इंटू पता ही है जो जीरो होता है जीरो फाइव का लोग कर दिया बाकी पर आप तो मुझे आ रहा है अब याद करो ठीक है अब क्या ये अब तो हमने ऐसी बता दिया निकाल लो टू इंटू में ए ए टू में टू में ए ए ए के लिए कितना हो गया एक और इसका तीन होगा रिजल्ट का क्या होगा टू ए तीन पहले से एंगल कर लेता हूँ टीचर मुझे कभी जीरो आएगा एंगल अपने आप आएगा सब्जेक्ट नहीं पाता मैं नाइन डिरेक्ट क्या मैं क्या हुआ एक का स्केल क्या होगा अब ये आर का स्केल कर जाएगा तो क्या होगा आ गया तो मुझे उसी का कैसे करें पहले इसके फोन में देखता हूँ एस कैसे बात कर रहे इसको भी इसको सारी भाग उसको कैसे नहीं भाग किया करें एक बार आप इसको बात करके छोड़ दे इसको नहीं क्या पता देखो यहाँ पे क्या होगा अब आप दो इस तरफ आया दो मिनट हो गया भाग में जीरो में भाग में दो जीरो वाले के लिए दो जीरो कहाँ होता है ये
है ना, दो वेक्टर, दोनों वेक्टर रिजल्टेंट में मैग्नीट्यूड में इक्वल, उनका रिजल्टेंट क्या दोनों वेक्टर मैग्नीट्यूड में इक्वल है। तेरे हाथ से एक बार निकाल, तेरे हाथ से ये निकालना बहुत आसान है। अगेन जब तुझे नहीं आ रहा था कि कौन समझने के पहले और समझने के समझने के बाद कभी नहीं ध्यान रखना। एग्जाम से पहले की कंडीशन और एग्जाम के दौरान और एग्जाम के बाद हम कहते हैं एग्जाम में तो आप गलत कराएंगे 18 लाख में से 6.5 लाख देख ले, वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों का एवरेज निकल गया। तो जोर का निकाल, अरे वाह भाई वाह, क्या बात, क्या बात, मेरी बात वाह। अब देखें अपना बड़ा बड़ा संकेत, जल्दी से लीजिए।
person moves 20 meter more, then 20 meter towards east, and finally 13.2 meter southwest.
यहाँ से भी डिस्कशन बना ली, यहाँ से भी ये वाली डिस्कशन निकाल ली, क्या करेंगे वो तो जोड़ दिया, वेक्टर आएगा ना, वेक्टर वेक्टर को जोड़ दिया, अपने आप डिस्कशन दे दी ये ओरिजिन से, ये तो चला कहाँ से, ओरिजिन से, ओरिजिन से भी कहाँ से लाएंगे? जोड़ो
से कितनी होगा, यानी कि ओरिजिन से पहले डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, माइनस आई कैप, माइनस आई कैप क्या होता है, 10 मीटर काम करना है। आपको उस तरफ भी इस तरफ बैठ इस तरफ ले जाते ऊपर नोट करते हैं मैच का बंद हो गया अपन बंद हो गया ये ना पास। अब जैसे जैसे बोले जैसे जैसे करता है वह नोट में जा रहा है जे क्या साउथ में जा रहा है माइनस में जा रहा है माइनस का ही क्या किस में जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट में अगर तुमने इलेक्ट्रिक इस्तेमाल किया तो फाइनली जोड़ दो भैया तब को मैच आ गया। इलेक्ट्रिक क्वांटिटी में साइनिक सर फाइनल कर दो इसमें इलेक्ट्रिक क्वांटिटी जो बात आपने आप यहां पे तो आपने भाई यहां से भी जा सकते हैं नाली के लिए कहां जाना है लाइक ये हम आया तो यहां से ठीक है फ्रैक्चर में कैसे दो वेक्टर के साथ एक है एक है एक नहीं है इस टाइप में ओरिजिन से देखते यहाँ पे चलेगा ना नहीं नेट चलेगा नेट से जब आई तो नहीं नेट से नहीं ओरिजिन से फाइनल में कितने मिलते हैं ये तो मैं रखती हूँ तो जल्दी करो तो प्रैक्टिकली तो ऐसे चल रहा है फोर्स से ऐसे लग रहा है ना ये तो हम रिजोल्व कर लेते हैं